नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज सुनिए सीमा मिश्रा का लिखा नाटक लो कचरा कर दिया ना। अरे माधुरी बेन, नमस्ते गोपी भाई। केम छो? सारू गोपी भाई, हम लोग सोसाइटी की तरफ से एक ड्रामा करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको एक रोल करना है। अरे माधुरी बेन, मैंने जब से ये मेक्सी गांव का कारोबार किया है ना, टेम ही नहीं है। गोपी भाई, आप तो पहले टीवी सीरियल में काम करते थे ना। अरे एक एंट्री मार देंगे तो मजा आ जाएगा। सच्ची बहुत छोटा सा रोल है गोपी भाई। जानती हो बहन, मैंने टीवी में काम करने से क्यों कल्टी कर लिया? क्यों कर दिया? सब यही कहते थे कि एक एंट्री मार देना, छोटा सा रोल है। अब सोसाइटी का ड्रामा है और उसमें भी एक एंट्री का रोल बेन। अरे गोपी भाई, ड्रामे में एक एंट्री से बड़ा किसी का रोल नहीं है। हाँ, कविता मैडम ने ड्रामा ही ऐसा लिखा है। अच्छा बेन, नाटक का नाम क्या है? लो कचरा कर दिया ना। मैंने क्या कचरा कर दिया? अरे बेन, नाटक का नाम ही तो पूछ रहा हूँ मैं। जो नाटक हम करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है लो कचरा कर दिया ना। अच्छा 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 अच्छा, नाम तो बेन बहुत गंदा, मेरा मतलब बहुत अच्छा है। तो आप एंट्री कर रहे हैं ना? करूँगा करूँगा। अच्छा बेन, ये कपड़ा क्या पहनना है? पेंट शर्ट, धोती झब्बा या झब्बा पजामा? ना पेंट शर्ट, ना धोती झब्बा, ना झब्बा पजामा। परेशान मत होइए, आपको ड्रेस पहननी है मगर शेर। हा? शेर की ड्रेस। शेर की ड्रेस? शेर की ड्रेस क्यों बेन? अरे क्योंकि आपको नाटक में शेर बनना है। अच्छा 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 अच्छा। बस एक रौबदार मूंछ लगा देंगे। सिर्फ मूंछ बेन? जी नहीं, पूंछ भी लगेगी। अच्छा बेन, शेर को करना क्या है? मतलब शेर जी का रोल क्या है? बताती हूँ। आप हैं एक शेर। हाँ। नेशनल पार्क के आसपास दिन ब दिन बढ़ रही आबादी और कचरे से परेशान होकर ये शेर शहर में आ जाता है और कचरा नगर नाम की सोसाइटी में छिप जाता है। वाह वाह वाह। और जिस समय ये शेर आता है, सोसाइटी का कचरा अवार्ड समारोह चल रहा है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं और मैं उनको खा जाता हूँ, है ना? ना, 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 ना गोपी साहब, आप एक दुखी और परेशान शेर हैं। आप तो बस हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लो बेन, शेर का रोल दिया और वो भी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े होने का। माधुरी बेन, अभी से बोलता मैं, ज्यादा देर खाली पीली खड़ा रहूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। अरे किसने कहा नहीं बोलना है? बोलना है। अरे बोलना है और गरज गरज के बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, अरे नाटक के अंत में शेर को पिंजरे में डाल दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पशु प्रेमी साहसी कर्मचारी सुखविंदर सिंह और उनके साथी जब उसे जंगल ले जाने लगते हैं ना, तो शेर को अचानक होश आ जाता है और फिर वो एक अपील करता है। अब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बताइए। होश में आने के बाद शेर पिंजरे को तोड़कर फिल्मी हीरो की तरह बाहर आ जाता है और जोर जोर से गरजता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। गोपी जी, हमारा नाटक कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है। हमारा शेर तो हाथ जोड़कर एक स्पीच देता है। अरे वो तो लोगों से एक अपील करेगा। अपील? हाँ। अच्छा ठीक है, लाइए, कहाँ है वो अपील? हमें याद करना पड़ेगा ना। वो तो कविता मैडम अभी लिख रही हैं। जैसे ही लिख लेंगी मैं आपको दे जाऊंगी। याद से दे जाना बेन, क्योंकि जब से ये गाउन मेक्सी का धंधा शुरू किया है ना, भुलक्कड़ हो गया हूँ। स्टेज पे डायलॉग भूलकर शेरी कांपने लगा तो हंसी उड़ेगी ना। जरूर दे जाऊंगी, आपको कल तक स्पीच मिल जाएगी। अब चलती हूँ। नमस्कार गोपी भाई। नमस्कार बेन, नमस्कार। नमस्ते कांता बेन। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो बैठो। अरे वो तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारे ड्रामा की? फर्स्ट क्लास। आपको भी एक रोल करना है कांता बेन? मुझे? अच्छा ठीक है ठीक है, करूंगी। वैसे ये तो बताओ, करना क्या है मुझे? एक औरत का रोल करना है। तुम भी ना बस। जिसका नाम है कचरा कली। कचरा कली? कचरा कली क्यों भाई? ये कचरा कली क्या बहुत कचरा करती है क्या? हाँ, अरे कचरा करने में उसका जवाब नहीं। और वो इतनी होशियारी से कचरा फैलाती है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। लेकिन मैं तो कचरा फैलाती नहीं माधुरी। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये रोल। माधुरी,
तो ऐसा करना, ये रोल लक्ष्मी को क्यों नहीं दे देती? हाँ? अरे अरे, मैंने कई बार उसे फ्लैट की खिड़की से सोसाइटी के गार्डन में कचरे की थैली फेंकते देखा है। हाँ? मैंने उससे कहा दुकानदार बहन, उसने मना कर दिया, कहने लगी ना मैं कचरा फेंकती ना कचरा फेंकने का रोल करूंगी। अच्छा, ऐसा बोली वो? झूठी कहीं की। मेरे सामने बोले ना कि कचरा नहीं फेंकती, फिर बताती मैं उसको। कांताबेन कांताबेन कांताबेन, हमको झगड़ा नहीं करना है, हमें एक ड्रामा करना है। बात तो तुम्हारी सही है। चलो ठीक है, मैं करूंगी वो कचरा, क्या बोला, कचरा कली? हाँ, कचरा कली। कचरा कली का रोल करूंगी, और ऐसा रोल करूंगी, ऐसा रोल करूंगी कि कचरा फेंकने वाले भी देख के कहेंगे कि कचरा फेंकने वालों का कैसे जमा के कचरा किया कांता बहन ने। अच्छा ये बताओ, ये कोई बेस्ट एक्टिंग का कोई मतलब प्राइज राइज रखा है कि नहीं रखा? हाँ बिल्कुल रखा है। हाँ? फर्स्ट प्राइज है एक नया डस्टबिन, सेकंड प्राइज है दो नई झाड़ू, और थर्ड प्राइज है फिनाइल की दो बॉटल। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा ये ड्रामा है कब? नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे नेक्स्ट संडे, ठीक है। तब तक मैं ऐसा करती हूँ माधुरी, खूब कचरा फेंक फेंक के ना अच्छी से प्रैक्टिस कर लूंगी। अरे नहीं 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 बाबा, कचरा वचरा फेंकने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी को पता चल गया ना कि आप ड्रामे के लिए कचरा फेंक रही हैं, तो ड्रामा रुकवा देगा और सारे प्रोग्राम का कचरा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, बिना प्रैक्टिस के ही एक्टिंग कर लूंगी। अरे क्या बात है कांता बहन, थैंक यू सो मच। स्क्रिप्ट तैयार होती मैं आपको दे जाऊंगी। चलती हूँ, मुझे दीनानाथ जी से भी मिलने जाना है। बाय बाय। अरे माधुरी जी, आइए 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 विराजिए। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, उस कुर्सी पे मत बैठिए। क्यों? उसकी एक टांग टूटी है। अरे बाप रे, उस पे बैठने वाले 3 लोगों की टांग टूट चुकी है। तो आपने ऐसी कचरा कुर्सी को रखा है क्यों है, जो लोगों की टांग का कचरा करे? देखिए माधुरी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने का दिल नहीं होता। बस यही तो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो टूटी फूटी चीजों को भी ये सोच के नहीं फेंकते कि किसी न किसी दिन काम आएंगी। साइकिल का हैंडल हो या टूटी हुई सैंडल, बिगड़ी घड़ी हो या एक टांग तोड़ू कुर्सी, कुल मिला के ये कि बस वो इकट्ठा करता जाता है कचरा कचरा और सिर्फ कचरा। नहीं 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 माधुरी जी, देखिए मेहरबानी करके इस कुर्सी को कचरा मत कहिए। हमारी स्वर्गीय दादी जी इसमें बैठती थी। जब भी हम इस कुर्सी की तरफ देखते हैं माधुरी जी, लगता है दादी जी की आत्मा बैठकर चावल बीन रही है। लगता है टूटी कुर्सी में बिठाकर आप दादी जी की आत्मा की टांग तोड़ना चाहते हैं दीनानाथ जी। अरे नहीं 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 नहीं। अरे तो फिर भावनाओं को भूल जाइए, इसे कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर थोड़ी जेब ढीली कीजिए और इसे बनवा लीजिए, ताकि ये लोगों को और दादी जी की आत्मा को आराम से बैठाकर आराम दे सके। ठीक कहा आपने, जैसा आपका आदेश, मैं कल ही कारपेंटर को बुलाता हूँ। आप देखिए माधुरी जी, इधर सोफे पे बैठिए, लेकिन टिकिएगा नहीं, टिकिएगा नहीं, सोफे की टेक जरा कमजोर है। कल वो बिल्डिंग के प्रेसिडेंट करम दंडे जी आए थे, मैं उनके लिए पानी लेने अंदर चला गया, पानी लेकर लौटा तो वो नीचे थे और सोफा उनके ऊपर था। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कहाँ बैठूं। ऐसा कीजिए कि आप आराम से इधर इस चटाई पर बैठ जाइए, न टूटने का डर न गिरने का भय। और सुनिए, आप निवेदन नहीं आदेश कीजिए हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ जी। सच कहता हूँ माधुरी जी, जब से आप हमारी सोसाइटी में आई हैं, सोसाइटी का चेहरा चारों चंद्र की चंचल किरणों जैसा चमकने लगा है। उसी चेहरे को थोड़ा और चमकाने के लिए हम अगले संडे शाम को 7 बजे एक ड्रामा करने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है माधुरी जी। देखिए हमारे लिए भी कोई रोल हो तो बताइएगा। और ये हम जौनपुर में बहुत नौटंकी किए हुए हैं, लैला मजनू, सत्यवादी हरिश्चंद्र, असली राजस्थानी किस्सा ढोला मारू वगैरह वगैरह। हाँ हाँ ठीक है दीनानाथ जी, लेकिन हमारा ड्रामा ऐसा नहीं है, हम तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ही लोग कचरा कर दिया कर रहे हैं। वाह 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 वाह, तो फिर ऐसा कीजिए माधुरी जी के कचरे का रोल छोड़ के आप हमें कोई भी रोल दे दीजिए, हम करेंगे और ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे अरे वाह
ये दीना ना तो छुपा रुस्तम निकला। जी हाँ, छुपे रुस्तम, आपको श्रीवास्तव जी का रोल करना है, जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो यहाँ वहाँ सीढ़ियों में, लिफ्ट में चुपके से पीक की पिचकारी चला देता है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हाँ। हम न तंबाकू खाते हैं न पान खाते हैं, हमें थूकने पिचकने का रोल काहे को दे रही है? अरे आप नहीं खाते तो क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में तो बहुत लोग खाते हैं और पिचकते भी हैं। हम समझ गए माधुरी जी, आपका इशारा ट्रेजरार साहब मधुबन मधुबनी जी की तरफ है ना। हमने खुद आंखों से देखा है लिफ्ट में पीक की पिचकारी चलाते हुए। आए कब? अरे अभी रिसेंटली। क्या हुआ, हमें लिफ्ट में मिल गए, मुंह में लबालब पान दबाए हुए थे। हमने हालचाल पूछा तो मुंडी हिला के बता दिए कि अच्छे हैं। फिर हमने पूछा कारोबार, फिर मुंडी हिला दी। फिर गलती से हमारे मुंह से निकल गया, मधुबनी जी सोसाइटी के बजट में मच्छर खर्चा बढ़वा दीजिए, मलेरिया होने का खतरा है। तो फिर उन्होंने मुंडी हिला दी होगी, है ना? जी नहीं जी नहीं, इस बार उन्होंने बहुत देर से रोकी हुई पीक का थोड़ा सा हिस्सा मुंह घुमाकर लिफ्ट में ही बहा दिया। छे। बाकी पीक को मुंह में भरे हुए बोले रिटर्न में लग के अपने शिकार सेक्रेटरी साहब को दे दीजिए, कमेटी और करेगी। बहादुर मैम साहब, उधर उधर शेर घुस गया है। शेर क्या बकवास कर रहा है? हम बकवास नहीं कर रहा मैम साहब, हमने ताश मारा तो हमको देखकर वो गुर्राने लगा। हाँ? अरे बाप रे, कहीं नाटक सच तो नहीं हो गया? वो देखो वो शेर इधर आता है मैम साहब। हमको बचा लो, हमको बचा लो। बहादुर, अरे बहादुर अंकुल, मैं शेर नहीं हूँ, गोपी भाई हूँ, ये देख। गोपी भाई साहब? लेकिन गोपी भाई, रात में आप शेर की ड्रेस पहन के लोगों को डराती क्यों फिर रहे हैं? अरे ड्रेस रिहर्सल कर रहा था मैं। अरे पर साहब, हमारी तो जान निकल गई थी साहब। ठीक है गोपी भाई, जाइए अब ड्रेस उतार के रख दीजिए, नहीं तो कल रात तक ना मूछ बचेगी और ना ही पूछ। पूछ पूछ कहाँ गई? अरे कहाँ गिरा दिया आपने पूछ? अरे यही तो थी बहन, अरे कहाँ गई है? ओफो, लगता है उधर गार्डन में शेर, यानी जब मैं गुलाब के पास छिपा था ना। हाँ। तभी लगता है कांटों में फंस गई हूँ। हे भगवान, कल ड्रामा है गोभी भाई, अब बिना पूछ का शेर कैसा लगेगा आप ही खुद सोचिए ना। ओ पहन जी, मैं क्या ऐ रही जी शेर दी पूछ। ओ मगर इस पूछ की वजह से ड्रामे से पहले ही ड्रामा हो गया। क्या मतलब? ओ जी ऐसा था, सरोज जी जो है ना वो पड़ोस वाली, उनकी हाँ? दादी जी की पैर के नीचे आ गई थी पूछ जी। ओ, वो समझी सांप है, भागी और भागने के चक्कर में गिर पड़ी। ओ भगवान, फिर? मैं अपनी खिड़की से देख रहा था, भाग कर आया, उनको बताया कि डरो मत सांप नहीं है, तो उनकी जान में जान आई। हाँ। पूछने लगी ओए सांप नहीं था तो की था सुखविंदर? तो मैंने कहा दादी जी तुहाडे पांव दे विच शेर दी लंबी पूंछ आ गई सीगी। फिर? फिर क्या जी, दादी जी की ऐसी ठिग्गी बंदी की लगा कि अब सांस ही नहीं ले पाएंगी। बस फिर क्या था जी, दादी जी डर के मारे चक्री जैसी चक्कर खाने लगी, मतलब जी के बेहोश होने लगी जी। देखा गोपी भाई, सब गलती आपकी है, ना आप शेर की ड्रेस पहन के निकलते हो ना ही ये सब होता। नहीं नहीं जी, गलती आपकी है, ना आप हमको नाटक में रोल देती, ना हम गार्डन में जाकर शेर का डांस करते, अरे हमारी तो आंख फूट जाती, ये बहादुर का डंडा लगते लगते बच गया। ओ जी फिक्र करने की कोई गल नहीं है जी, जब मैंने दादी जी को बताया कि शेर असली नहीं ड्रामे वाला है तो वो हंसने लग गई, कहने लगी कल मैं ड्रामा देखने जरूर आऊंगी पुत्र, कविता से कहना कि आगे की सीट रिजर्व करवा दे मेरे लिए। प्लीज शांत हो जाइए, पेश है कविता मैडम और उनकी दादी विमला मैडम द्वारा लिखा नाटक लो कचरा कर दिया ना। इस खूबसूरत रंगीन हसीन दुनिया के अंदर बहुत दूर नहीं, बस यही कहीं है एक कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी, जिसका हर घर हर हर डगर कचरा घर। आज दिए गए हैं कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में कचरा अवार्ड। ऐसे ही कुछ अवार्ड विनर्स को आपके सामने पेश करेंगी
टीवी की जानी मानी एंकर माधवी जोशी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम माधवी, पहले अवार्ड विनर जो इस समय मेरे पास ही खड़े हैं, मास्टर भोपू, भोपू कुमार जी। जी। कचरा चैनल की तरफ से आपको कचरा अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बस माधवी जी, जी कुछ कचरा कचरा सा, यानी अच्छा अच्छा सा लग रहा है। ओके ओके, अच्छा कचरा अवार्ड आपको ही क्यों दिया गया है? क्योंकि हमने कचरा फैलाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया जी। अच्छा? एक दिन में 50 किलो कचरा अकेले फैलाया है जी। 50 किलो कचरा जी? वो कैसे? पिछले हफ्ते मेरा हैप्पी बर्थडे था जी, हैप्पी बर्थडे। मैंने दोस्तों को बुलाया, सबने आइसक्रीम खाई, केक खाया और कागज के ग्लास प्लेट डस्टबिन में डालने लगे। मैंने कहा अरे अरे, ये कैसी अनोखी रीत कर रहे हो भैया। मैंने कहा डस्टबिन में मत डालो, बस यहीं पर ढेर लगाओ। सबने ढेर लगा दिया पर सब चले गए। और फिर? फिर मैंने सारा कचरा एक फटी चादर में इकट्ठा किया और चौथे माले की खिड़की से नीचे की तरफ उड़ा दिया। हवा में उड़ता जाए मेरे कचरा सोसाइटी का कचरा रे। अगले दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब पापा से मिले, उन्होंने कहा मैंने सारा कचरा तौलाया है, 50 किलो निकला है भाई। आपके बेटे गोपू को तो इस बार कचरा अवार्ड दिलवाऊंगा मैं। लास्ट सवाल, भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं जी, जम के कचरा फैलाने की योजना है हमारी। जिससे अगले साल कचरा द ग्रेट का अवार्ड मिल जाए। ओके, थैंक यू थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस साल का च्युइंगम चालाक अवार्ड लेने वाले मास्टर नटखट काजू से बात की जाए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप ये बताएंगे कि आपने क्या रिकॉर्ड बनाया? च्युइंगम खाने के बाद उसे कहीं भी चिपका देने का रिकॉर्ड बनाया है। गुड गुड, वेरी गुड। बाय द वे, कहाँ कहाँ चिपकाते हैं आप च्युइंगम? अरे लिफ्ट में, दीवार में, कुर्सी में, सोफा में, सोसाइटी के गार्डन की बेंच में। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं आप? मजे के लिए। अरे मजे के लिए, कोई आकर बैठता है तो च्युइंगम उसके कपड़ों में जोंक के जैसी चिपक जाती है। छुड़ाने वाले को नानी याद आ जाती है, नानी। अच्छा अच्छा, बता सकते हैं कि अब तक कितने च्युइंगम चिपका चुके हैं आप? यही कोई 5,000 से ऊपर। अच्छा अब मैं चलूंगा, मुझे च्युइंगम चिपकाने का नया रिकॉर्ड बनाना है। अपनी इस कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को कचरा नरक हाउसिंग सोसाइटी अनलिमिटेड बनाना है। अच्छा जी, नमस्कार। भगवान आपकी समझदारी बड़ी करे। गुड लक, बाय। माधवी अनाउंसर जी, जरा सुनिए ना प्लीज, मेरा भी तो इंटरव्यू कर लो ना। अरे मुझे भी तो अवार्ड मिला है। आपने भी कोई रिकॉर्ड बनाया है क्या? हाँ। जिसके लिए आपको अवार्ड मिला? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वो फ्लैट की खिड़की से वो केले के छिलके फेंक कर एक हफ्ते में 173 लोगों को गिराया मैंने, और भगवान झूठ ना बुलाए, आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं सका। चलो अब जल्दी से मेरा इंटरव्यू कर लो। हाँ। अरे भाई हो तो गया इंटरव्यू। अरे क्या रहे हैं आप, अभी कहाँ हुआ है मेरा इंटरव्यू? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। देखिए इससे ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, थैंक यू एंड बाय। अरे अरे अब अरे ये तो चली गई अनाउंसर भी ना। ठीक है ठीक है, मेरा नाम भी कचरा कली है। केले का छिलका फेंक कर किसी दिन इसे ऐसा गिराऊंगी ना कि इसके सारे दांत टूट कर बाहर आ जाएंगे। अनाउंसमेंट करना तो हमेशा के लिए भूल ही जाएगी। देखा आपने, ड्रामे का कैसा कचरा करके चली गई कचरा कली। खैर कोई बात नहीं, अब वो देखिए, पीक पिचकारी अवार्ड से सम्मानित मुन मुटकैया जी चले आ रहे हैं।
बुनबुट कैया जी, आपको नमस्कार। पीक पिचकारी अवार्ड मुबारक हो। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया माधी जी, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आप दिन भर में कितने पान खाते हैं? जी कम से कम 50, अधिक से अधिक 75, और कभी 2000 मिल जाए तो समझिए कि 100 पान भी हो जाते हैं। मतलब आप खाना कम और पान ज्यादा खाते हैं? जी 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 जी, बता फरमाया आपने। अच्छा, और पीक कहाँ थूकते हैं? अरे कहीं भी, वैसे वहाँ तो जरूर, यहाँ लिखा होता है यहाँ पान खाकर थूकना मना है। बस और ट्रेन से पान की पीक पिचकने में हमने स्पेशलाइजेशन किया है। कैसा स्पेशलाइजेशन? हम बस से मारते हैं पीक, जिस पे लगती है उसकी निकल जाती है पीक। पैदल होता है तो डगमगा जाता है, स्कूटर पे होता तो लड़खड़ा जाता है। हमें बड़ा मजा आता है, दिल झूम झूम जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है, जाइए आप। हमें डर है कि कहीं यहीं आप पी के पिचकारी ना चला दें। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं। अब हम बुलाते हैं कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जी को। वो ये बताएंगे कि जब कचरा नगर के कचरा प्रेमी कचरा करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। प्रेसिडेंट श्रीमान कचरापति जी, आप बताएं। हम कुछ नहीं करते जी, बस बिल्डिंग के सामने जो कचरे की पहाड़ी सी बन गई है उसमें बैठ के आँख बंद कर लेते हैं और कचरा देव से प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? बस यही कि हे कचरा देव, सारे मेंबरों को कचरा करने की ऐसी ताकत दे कि हमारी कचरा नगर सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी कचरा सोसाइटी का अवार्ड प्राप्त कर सके। हम आपको 10 मन कचरा चढ़ाएंगे। अच्छा आप क्या करते रहते हैं सेक्रेटरी श्री कचरा राज जी? इनकी तो अब रिटायरमेंट की उम्र है जी, ये तो नई पीढ़ी को कचरा फैलाते देखते रहते हैं। अच्छा, कोई अनोखा नजारा जो आपकी यादों में बस गया हो? हाँ, हमारी यादों में है, पिछले साल होली का दिन कचरा कली जी और उनकी बेटी नीतू गुब्बारों में गीला कचरा भर भर के नीचे फेंक रही हैं, थैलियाँ लोगों के सर पर फूट रही हैं। अच्छा और क्या हो रहा है? सड़ी हुई सब्जी और दाल का घोल भर भर कर लोग पिचकारियाँ चला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बुरा ना मानो कचरा होली है। वाह 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 वाह। धन्यवाद कचरा राज जी। अच्छा ट्रेजरर साहब जी, श्री कचरा नयन जी आप बताएं। अरे मोहतरमा, अब बताने को क्या है जी, हम लोगों के साथ मिलजुल कर कचरा फैलाता हूँ। हाँ। अच्छा तो कितना कचरा फैला पाते हैं आप मिलजुल कर? संडे से सैटरडे तक तो ऑफिस में कचरा फैलाता हूँ, और संडे से संडे वाले दिन सोसाइटी मेंबरों के साथ मिलकर खासकर यहीं पर कचरा फैलाता है। खास तौर से जो साफ सुथरी जगह हो उस जगह को बिल्कुल गंदा बना देता हूँ कचरा फैलाते। हाँ। कचरा करने वाले कचरा किए जा, कचरे के बदले बीमारी लिए जा। अरे बहादुर सो रहे हैं क्या? अरे उठना, स्टेज पे जा, तेरी एंट्री आ गई, चल जा जल्दी। जी मिम साहब, जी मिम साहब। सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब जी। अरे बोल तो क्या बात है? साहब जी उधर उधर एक 5 फुट का शेर आया है। शेर आया है? अरे तो वो स्टेज पे, मतलब ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है साहब जी, मगर लगता है थोड़ा टाइम लगेगा साहब जी। क्यों? साहब जी वो शेर का जो पूछी है ना, एक शरारती बच्चा खींच के भाग गया साहब जी। गोपी भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जल्दी चाहिए, नाटक रुका हुआ है। अरे बिना पूछ के कैसे जाऊँ कविता बहन? ओह माधुरी मैडम क्या कर?
अरे अरे शेर की एंट्री कटवा दे क्या? नहीं 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 मधुरी बहन, मैंने रात भर जाग जाग कर स्पीच तैयार की है। हाँ तो ठीक है ना, बिना पूछ के जाइए जाइए जाइए। अरे जाइए ना। बचाओ, अरे बचाओ, शेर आ गया, अरे शेर आ गया। सेक्रेटरी जी फोन लगाइए। हेलो, हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखिए कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक शेर आ गया है जी, आप फौरन आ जाइए। हाँ शेर की दुम कट गई है, हुआ लग रहा है। अरे शेर तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है। बोलो भाई शेर, तुम्हें क्या परेशानी है? यही कि आपकी सोसाइटी के लोग कचरा फेंकते फेंकते हमारे जंगल में आ जाते हैं, उन्हें रोको नहीं तो मैं ऐसे ही शहर में आ जाऊंगा और सबको खा जाऊंगा। क्षमा करें शेर जी, कचरा फैलाना तो हमारी आदत है, हमारी फितरत है, हमारा शगल है, हमारा फितूर है। हम अपने हाथों को कचरा फैलाने से नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता? तो खैर जा बदमाश तोंदियन, मैं तेरा हाथ ही चबा जाता हूँ। मतलब गोपी भाई, गोपी भाई, माधुरी बहन ने शेर को हाथ चबाने के लिए तो नहीं कहा था। आपको क्रांतिकारी शेर नहीं, विनम्र और दुखी शेर बने रहना है। नहीं, आज मेरे अंदर एक सच्चे शेर की आत्मा आ गई है। क्या? जो आज कचरा फैलाने वालों को मजा चखाएगी। नहीं। वाह, तेरा हाथ तो कितना स्वादिष्ट है त्योहार। अरे सुखरत, अरे इससे पहले कि गोपी शेर मेरे लिखे हुए नाटक का पूरा कचरा कर डाले, जल्दी से जाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन मारो। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं आ गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड साहब आ गए जी। अब तुझे मजा चखाएंगे शेर के बच्चे। और उसके पहले मैं तुझे मजा चखाऊंगा बिल्डिंग सेक्रेटरी कचरा राज। अरे बचाओ बचाओ, खामोश एकदम। मैं अब इस शेर पर इंजेक्शन फेंकने जा रहा हूँ। अरे माधुरी, ये कचरा पति क्यों चीख रहे हैं? अरे चीखना तो शेर को चाहिए ना। अरे शेर हट गया था कविता मैडम, और इंजेक्शन जाके लग गया अपने सेक्रेटरी साहब कचरा पति को। ओ गॉड। ओए माधव, ओए गोविंद, ओए पिंजरा किधर है पिंजरा? अरे साहब जी, इधर पिंजरा तो इधर ही पड़ा है साहब जी। इसका दरवाजा खोल। अरे माधुरी माधुरी, ये सब हो क्या रहा है? मैडम लगता है सबने मिलकर नाटक का कचरा करने की प्लानिंग कर ली है। अरे क्या कर रहे हो यार? कचरा देव से प्रार्थना करने वाले प्रेसिडेंट कचरा पति जी, जी। चल फटाफट पिंजरे में घुस। ठीक है, बिल्कुल ठीक, वहीं बैठे रहो। कल दिन में इस पिंजरे को लेकर सारे शहर में तीनों का जुलूस निकालूंगा। आप सब देखने आइएगा, सब देखने आइएगा। कविता मैडम देखिए ना, शेर ही सबको पिंजरे में डाल रहा है। पर्दा गिरवा दूं क्या? अरे जल्दी से गिरवा दो। अरे अरे ये पर्दा क्यों गिरा रहे हैं भाई? अरे भाई माधुरी बहन, अभी तो शेर की अपील बाकी है। जंगल की दुनिया रंग बिरंगी, हरियाली भली चंगी, उसका कचरा न करो। कुदरत को मारने वालों, कुदरत की मार से डरो, कुदरत की मार से डरो। नाट्य तरंग कार्यक्रम में अभी आप सीमा मिश्रा का लिखा नाटक सुन रहे थे, लो कचरा कर दिया ना। निर्देशक थे विजय दीपक छिपर, सहायक पीकेए नायर, तकनीकी सहयोग शशांक कारथरे। भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर,
राजीव वर्मा, बनवारी लाल छोल, अनिल सक्सेना, दिशी दुग्गल, सुलक्षा खत्री, नीतू झांझी और कमल शर्मा। नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।